लोकसभा चुनाव के चलते राजनीतिक दल इन दिनों जोरों शोरों से चुनाव प्रचार में लगे हैं। चुनाव में जीत हासिल करने के लिए पार्टी के नेता से लेकर कार्यकर्ता हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, माहौल चुनावों का है। चुनावी दौरों से लेकर रैलियां एवं जनसभाओं के माध्यम से राजनीतिक दलों के नेता जनता से रूबरू हो अपने अपने पार्टी के पक्ष में वोटों की अपील करते दिखाई दे रहे हैं। इसी के चलते कुरुक्षेत्र लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी नैब सैनी जब अपने चुनावी दौरे के दौरान कुरुक्षेत्र के गांव में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे तो वहां लोगों ने उनका भाषण सुनना तो दूर बल्कि नैब सैनी गो बैक के नारे लगाने शुरू कर दिए। हरियाणा के राज्य मंत्री एवं कुरुक्षेत्र लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी नैब सैनी का कुरुक्षेत्र लोकसभा के गांव किरमिच में लोगों ने जबरदस्त विरोध किया। विरोध भी ऐसा कि लोगों ने कार्यक्रम में जनरेटर तक बंद करवा दिया। मंत्री नैब सैनी का विरोध कर रहे लोगों ने न सिर्फ उन्हें भाषण देने से रोका बल्कि नैब सैनी गो बैक और बाहरी उम्मीदवार नहीं चाहिए के नारे भी लगाए। भाजपा प्रत्याशी नैब सैनी का लोगों द्वारा बहिष्कार किए जाने पर सांसद राजकुमार सैनी ने इस पर टिप्पणी करते हुए नैब सैनी को पार्टी का पिट्ठू बताया और कहा कि ये लोगों की समस्याएं नहीं देखते बल्कि लोगों को देखते हैं। देखिए, जिस प्रकार से जो है लोग एडामेंट हैं, इनके पास जब लोग जाते थे काम के लिए तो इनका, क्योंकि मैं रात कुंडरी में बैठा था, लोगों का कथन था कि जब हम किसी काम से गए तो उन्होंने अपने समस्या के सामने रखी तो आगे से जवाब जो था उनका कथन है कि मैं पहले पार्टी देखूं या आपको देखूं। ये लोगों की समस्याएं थोड़ी देखते हैं, ये तो पार्टियों का पिट्ठू है, ये लोगों को देखते हैं और उसी बात का विरोध है। ये जगह जगह इनको झेलने को मिल भी रहा है और ये उसी का विरोध है जो कि अब जगह जगह झेलने को मिल रहा है। गौरतलब है कि नारायणगढ़ से विधायक एवं राज्य मंत्री नैब सैनी को भाजपा ने कुरुक्षेत्र लोकसभा से प्रत्याशी बनाया है, लेकिन लगता है कुरुक्षेत्र की जनता को भाजपा प्रत्याशी रास नहीं आ रहे। इसीलिए कभी नैब सैनी की जनसभाओं में कुर्सियां खाली मिलती हैं तो कभी गांव में लोग उनका विरोध करना शुरू कर देते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इस विरोध और खाली कुर्सियों के बाद भी नैब सैनी कुरुक्षेत्र लोकसभा से सांसद बनकर संसद भवन तक पहुंच पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रथम तहलका।